नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। मैं हूं मनीष, इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक जो महत्वपूर्ण फैसला है जो केजरीवाल पे आना था, जो जिसकी जो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी हो चाहे केजरीवाल के जो समर्थक हो, सबके सब इस चीज का इंतजार कर रहे थे। पर ऐसे में आज भी कुछ खुशखबरी जो कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके की आज जो राहत की बात कर रहे थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को किसी भी प्रकार की जो राहत है अभी तक मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। अब जो है गुरुवार को जो है इस मामले में जो है अब अगली सुनवाई होगी, जिस जो उनकी जो याचिका है जो उसके ऊपर फिर से एक बार गुरुवार को सुनवाई होगी। पर अदालत ने एक चीज तो साफ की है कि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए केजरीवाल को जो है अंतरिम जमानत जो है वो हो सकता है गुरुवार को मिल जाए। पर अभी तक जो है इस चीज पे जो सुनवाई है अंतरिम जमानत को भी सुरक्षित रख लिया गया है। गुरुवार को जो है इस पे जो है फाइनल जो फैसला है वो आने की जो संभावनाएं हैं वो लगाई जा रही है। पर अभी जो है इस मामले को जो है सुरक्षित रख लिया गया है और अभी ये मामले के ऊपर जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों पक्ष की बातें सुन ली गई है। एस सी राजू जो सॉलिसिटर जनरल है वो ईडी की तरफ से, उन्होंने भी आज अपना पक्ष रखा है। साथ ही साथ मनोज सिंह भी, अभिषेक मनोज सिंह भी जो केजरीवाल के वकील है, उनके द्वारा भी तमाम दलीलें जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें रखी है, दोनों पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। और अब इस मामले में जो है गुरुवार को जो है अगली आगे की जो सुनवाई है वो गुरुवार को होगी। पर गुरुवार को अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि गुरुवार को जो है अंतरिम जमानत के ऊपर कोर्ट जो है एक बड़ा फैसला केजरीवाल को लेके दे सकती है। बार बार कोर्ट इस चीज को लेके कह रही है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल को जो है अंतरिम जमानत मिल सकती है। पर अभी तक किसी भी प्रकार की जो राहत है वो अभी मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। पर एक चीज सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अंतरिम जमानत को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और इसके ऊपर दोनों पक्षों की सुनवाई हो चुकी है और गुरुवार को जो है इसके ऊपर जो फाइनल फैसला है वो लिया जाएगा। तो अभी तक जो है अभी भी आज का भी दिन जो है केजरीवाल को जो है तिहाड़ जेल में बिताना पड़ेगा। पर गुरुवार तक का जो समय है, गुरुवार को जो है दोनों पक्षों की आज दलीलें पूरी हो चुकी है, तो गुरुवार को अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि केजरीवाल हो सकता है कि अंतरिम जमानत उनको मिल जाए और अंतरिम जमानत के चलते वो एक बार चुनाव प्रचार के में नजर आए, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। पर अभी तक कोई किसी प्रकार की राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। ये वही मामला है जो हाईकोर्ट में केजरीवाल ने जो है इस मामले को लेके जो जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी उसको लेके आया हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया था। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा केजरीवाल के द्वारा खटखटाया गया था। अभी तक इस मामले में चार बार सुनवाई पहले हो चुकी है और जो है इस मामले में जो ईडी को पहले 24 तारीख को जो है ईडी से इस मामले में सबसे पहले जवाब मांगा गया था, फिर 29 तारीख को ईडी को इस मामले में ईडी और दोनों पक्षों को सुना गया था। केजरीवाल के वकील मनोज सिंह भी, दोनों ने अपनी बातें रखी थी। उसके बाद जो है आज ये 4th तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों पक्षों को सुना गया है। और अब जो है गुरुवार को जो है फाइनल, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि गुरुवार को जो है दोनों पक्षों को आज सुन लिया गया है, तो गुरुवार को हो सकता है कि अंतरिम जमानत पे सुप्रीम कोर्ट फाइनल मोहर लगाए, ऐसा कह सकते हैं। पर अभी तक जो है कहीं से भी केजरीवाल को जो है राहत मिलते हुए वो नजर नहीं आ रही है। पर सबसे बड़ी बात इसमें निकल के ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से दोनों पक्षों ने आज चीजें रखी है कोर्ट के समक्ष, कोर्ट ने दोनों को सुना है, दोनों ने कहीं दोनों पक्षों को सुना है। सॉलिसिटर जनरल जो एसवी राजू हैं उन्होंने तमाम जो है शुरुआत से ही जो है इनकी बेल पिटीशन को लेके बार बार जो है सवाल खड़े किए हैं कि इनको अभी बेल नहीं देना चाहिए और जो अंतरिम जमानत है वो नहीं मिलनी चाहिए। और अंतरिम जमानत को लेकर शुरुआत से ही एसवी राजू इस चीज के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये अभी जो समय है उनकी जो पूछताछ है अभी काफी पूछताछ बाकी है, तो इसकी वजह से जो है इनको बेल नहीं देना चाहिए और ये चीजों को नहीं देखना चाहिए कि ये एक राज्य के मुख्यमंत्री है, ये तमाम चीजों को नहीं देखना चाहिए। देश के अंदर जो है
लगभग 6,500 जितने केस जो है वो अभी भी चल रहे हैं और लोग अभी भी जेल में है। तो ये सारी चीजों को रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने ये सारी बातें रखी कि एक मुख्यमंत्री को मद्देनजर रखते हुए ये केस को नहीं देखा जाए, एक आम नागरिक को रखते हुए ये केस देखा जाए। पहले भी इस मामले में जो दलीलें रखी गई थी जो इस तरीके से हाईकोर्ट के द्वारा इस चीजों को लेके जो है अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाया था, पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिलते हुए अरविंद केजरीवाल को नजर आ सकती है। क्योंकि देश भर में जो है अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आज तीसरे चरण का आज वोटिंग था और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अभी तक अपनी पार्टी के लिए प्रचार जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो इसको देखते हुए जो है कोर्ट भी इस चीज को लेकर बार बार ये कह रही है कि लोकसभा चुनाव एक महापर्व है इस भारत देश का और इस देश में के लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को उसके पार्टी के लिए, उसके जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी के लिए और जो लोग जो इनके जो इनके प्रत्याशी हैं उनके लिए ये जो है प्रचार करें और ये तमाम जो लोकसभा चुनाव है उसमें ये भी अपनी पार्टी के लिए तमाम जो चीजें हैं वो लोगों तक रखें और लोगों को जो है इनके काम जो है जिस तरीके से इन्होंने किया वो सारी चीजें लोगों तक रखें। पर अभी तक जो है कोर्ट ने जो है इस जो इनकी अंतरिम जमानत है उसको सुरक्षित रख लिया है, पर ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि गुरुवार को इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी फाइनल मोहर लगा सकती है। पर अभी तक किसी भी तरीके की राहत मिलते हुए अरविंद केजरीवाल को नजर नहीं आ रही है। तो अभी जो है सबकी नजर गुरुवार को बनी हुई है क्योंकि आज दोनों पक्षों की जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो है दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी और दोनों पक्षों की बातें सुप्रीम कोर्ट ने सुन ली है और जो हो सकता है कि गुरुवार को एक बार फाइनल मोहर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस पर लगाते हुए नजर आए कि गुरुवार को जो है अंतरिम जमानत के तौर पे अंदेशा यह है कि 23 तारीख के लिए जो है अंतरिम जमानत जो है वो कहीं ना कहीं मिलेगी क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली के अंदर जो है चुनाव है और इसकी वजह से जो 23 तारीख तक का जो हो सकता है उनको अंतरिम जमानत मिले। पर अभी दोनों पक्षों को सुना गया है तो गुरुवार तक का जो इंतजार है जो आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है सबको इंतजार करना पड़ेगा।